और खबर अब चुनावी राजनीति की। कांग्रेस से बीजेपी में आकर मंत्री बने बिसाहूलाल सिंह का अपने विधानसभा क्षेत्र में नोट बांटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति लेते हुए इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिसाहूलाल सिंह के वीडियो को फेक बताया है। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह इस चित्र में किसी को नोट देते दिखाई दे रहे हैं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बिसाहूलाल सिंह 100-100 के नोट बांटते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है ये अपने इलाके में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए किया जा रहा है। बिसाहूलाल सिंह उन विधायकों में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। अब जब ये वीडियो सामने आया तो कांग्रेस ने बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बिसाहूलाल जी अनूपपुर में जिस तरह से नोटों की गड्डियां लेके लोगों को बांट रहे हैं, ये भयानक आपत्तिजनक कार्य है। चुनाव आयोग को तत्काल इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो वीडियो जो उनका वायरल हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें वो 100-100 रुपये के नोट की गड्डियां लेकर मतदाताओं को बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रलोभन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की ये जो कुटिल चाल है, ये बेनकाम हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने आज चुनाव आयोग को शिकायत की है कि अनूपपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदेश के मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा सरेआम खुलकर नोटों बांटे जा रहे हैं, नोटों का वितरण किया जा रहा है। हाथ में 100-100 की नोटों की गड्डियां हैं, नए नए नोट हैं और वो इस तरह बांट रहे हैं। वहां पर नोट बांटकर वह मतदाताओं को प्रलोभित कर रहे हैं और नोट के बदले में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इस रूप से एक करप्ट प्रैक्टिस है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि बिसाहूलाल सिंह को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए और उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। बिसाहूलाल सिंह के इस वीडियो को लेकर बीजेपी सतर्क हो गई है। बीजेपी का कहना है ये वीडियो फेक है और ये एक साजिश के तहत प्रसारित किया गया है। इस मसले पर बिसाहूलाल सिंह कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे फेक करार दिया है। वही है ये कांग्रेस का जो है, सारा का सारा फेक न्यूज, फेक वीडियो सब उन्हीं का है। कभी की कोई बात कहीं चुपकाते हैं। अरे भाई, चुनाव लड़ो ना सामने आके। बिसाहूलाल जी बहुत लोकप्रिय नेता है और कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका पूरा जीवन चुनाव लड़ते हुए गया है। आधा दर्जन बार से अधिक विधायक मंत्री रहे हुए हैं, काफी सालों तक मंत्री रहे वो, तो इस तरह का जो है ये अच्छा नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।